हमेशा भरा ही मिलेगा। वो पूरी बंद कर दी गई है रेलवे, उसके रेलवे निगम की तो उनकी वो लापरवाही की वजह से। यहाँ का नहीं है ये, पानी का हमेशा ये समस्या रहता है। इसको थोड़ा सुविधा करिए पानी हटा के। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। सुबह से ही आज भिलाई में जो झमाझम बारिश हो रही थी उसके वजह से भिलाई का मेन मार्केट सुपेला आकाशगंगा आज पूरी तरह से लबालब हो गया और यहाँ पर तमाम जो बड़ी दुकानें हैं उसमें पानी भर गया, जिस वजह से व्यापारियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा और करोड़ों का नुकसान हुआ है। आज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जहाँ पर इस तरीके से पानी भर गया कि जो यहाँ पर रखा सामान है वो पानी में तैरने लगा। और अभी फिलहाल जो आप देख सकते हैं रात हो चुकी है, 8-9 लगभग बज रहे हैं और यहाँ पर जो गाड़ी है निगम की तरफ से आई हुई है वो पानी को खींचने का यहाँ पर काम कर रही है। मेन मार्केट है यहाँ पर सुपेला और बारिश, लगभग 2 दिनों की बारिश के बाद ही यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई कि यहाँ पर लगभग हर एक दुकान के सामने इस तरीके से पानी भरा हुआ है कि जैसे कोई नदी या तालाब है। इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर लग रहा है कि जैसे कोई नदी या तालाब है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बिल्कुल बिगड़ गई, लोगों को घुटने तक पानी भरा हुआ था और ऐसे में जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हुई है क्योंकि गाड़ी मोटर भी लगातार वहां पर रुक रही थी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। हम देख सकते हैं कि सुपेला में अभी लगभग 8 बज रहे हैं, फिलहाल मेन रोड से तो पानी निकल चुका है लेकिन जो अंदर यहाँ से लगी गलियाँ हैं उसमें पानी अब भी भरा हुआ है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं, ये है आकाशगंगा सुपेला भिलाई में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की, जहाँ पर आज बारिश होते ही जो पानी है वो इस तरीके से भर गया कि यहाँ रखे जो सामान है वो बिल्कुल तैरने लगे। यहाँ तमाम फ्रिज, कूलर और जो भी सामान थे वो इस तरीके से तैरने लगे जैसे कि कोई छोटी मोटी चीज़ जिस तरीके से तैरती है एक नदी और तालाब में, वैसे ही यहाँ पर स्थिति बन गई। और जिसे अब जो एक मशीन बुलाई गई है उसके द्वारा यहाँ पर पानी को खींचा जा रहा है और बताया जा रहा है कि लगभग 15-20 मिनट के बाद यहाँ से पूरा पानी खींच लिया जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, यहाँ पे अंडरब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से क्या है जो नाली रहती है निकासी वो पूरी बंद कर दी गई है रेलवे, उसके रेलवे निगम की तो उनकी वो लापरवाही की वजह से। जैसे पूरा का पूरा पानी दुकानों के अंदर पूरा भर चुका है और जिसका कोई निकासी नहीं है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करने के बाद दोपहर को निगम की टीम आई, तब जाके हमें थोड़ा सा भी आराम मिला है, पानी निकलना चालू हुआ है अभी। वही सुबह जब हम 10 बजे सुबह आए, दुकान खोलने का समय हुआ, तब आके देखे कि पूरा पानी दुकान के अंदर भरते जा रहा है। तब वो पानी जब भरा तब वो फ्रिज, मशीन, जितना भी हमारा सामान था पूरा का पूरा उसमें तैरने लग गया। क्या लगता है सारी मशीनें लगभग खराब ही हो गई? पूरा पूरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसका कोई भरपाई कौन करेगा इसका कोई हिसाब नहीं है। वो कल सुबह आप देखेंगे कितना नुकसान हुआ है, पूरा का पूरे मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, पानी जाने से पूरा का नुकसान हो गया उसमें। लगभग कितने फ्रिज और क्या सब खराब हुआ आपका एक अनुमान? बहुत ज़्यादा है उसमें, कोई अब अनुमान तो अभी ऐसे बता नहीं सकते, तो कल सुबह पता चलेगा, पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा है इधर फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर में पूरा पानी भर गया है, उनका पूरा प्लाई का सामान है वो भी पूरा खराब हो गया है। बहुत ज़्यादा सारी दुकानों का मिला के करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है सबका। जी अभी फिलहाल यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर मैडम पानी जो भर गया था उसको हम लोग निकलवा रहे हैं, और जो पानी भरने का कारण ये हुआ कि पूर्व में हमारे निगम द्वारा जो पुलिया बनाई गई थी, अभी अंडरब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो है उस पुलिया को तोड़ करके होम पाइप डाल दिए थे, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा था। तो JCB के माध्यम में से हम लोगों ने गड्ढा करा दिया है, पानी जो है लगभग अब निकल ही गया है। अब जो दुकानों का पानी उसको हम लोग निकलवा रहे हैं। तो क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा करने से ये समस्या आएगी? नहीं, पहले अंदाज़ा मैडम नहीं था ऐसा कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी या होम पाइप उतना पानी नहीं खींच पाएगा, नहीं उसको पहले ही जो है हम लोग गड्ढा करा देते हैं। कितने देर से ये पानी खींचने का काम हो रहा है और कितना और समय लग जाएगा? 15-20 मिनट और लगेंगे और लगभग जो है 2 घंटे से हम लोग कर ही रहे हैं, इसके पूर्व में भी किए हैं जी। और कहाँ कहाँ ये काम हो रहा है भिलाई में? भिलाई में और कहीं पानी ऐसा नहीं भरा है, सिर्फ यही जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो होम पाइप डाला गया उसके लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो कहीं पानी भरने आज तक कभी पानी नहीं भरा। भिलाई के जो अन्य जगहों में भी पानी भरा है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? उसको हमारे अन्य जगहों में नहीं भरा हुआ है, और जैसे अंडरब्रिज वगैरह हम भरे हैं वहाँ हमारी जो है मशीनें लगी हुई हैं,
सिंक्शन यूनिट भी है, वो खींच रहे हैं हम लोग पानी और लगातार हम लोग यही करते आ रहे हैं। जैसा कि दुकान के ओनर ने बताया कि लगभग करोड़ों का नुकसान उनको हुआ है और ये नुकसान की भरपाई न जाने अब कब होगी। ऐसी समस्या 40 साल में पहली बार इनकी दुकान में आई है। पहले भी इस प्रकार की समस्या आई तो थी, लेकिन जो पानी था वो कहीं ना कहीं से निकल जाता था, लेकिन इस बार जो पानी है वो कहीं से निकल ना सका, जिसके कारण करोड़ों का नुकसान इनको आज यहाँ पर हुआ है। कहीं ना कहीं जो यहाँ समस्या है, ये निगम पर, प्रशासन पर भी सवाल उठाता है कि इस प्रकार की समस्या के लिए कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया। ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए तीरंदाज। नमस्कार। नमस्कार, मैं तीरंदाज सुरभि वर्मा। आप मेरे पीछे ये जो भरा हुआ पानी देख पा रहे होंगे, ये कोई पुल नहीं, ये अंडर ब्रिज है, चंद्रा मौर्या अंडर ब्रिज है, जो पूरी तरीके से लबलबा करके भरा चुका है। बुधवार को जो भारी बारिश हुई है, जिसके बाद अंडर ब्रिज का ये हाल हुआ है। भिलाई नगर के दो अंडर ब्रिज जो सबसे ज़्यादा जो बिजी शेड्यूल में रहते हैं, ये चंद्रमौर्य का जो अंडर ब्रिज है वो और सुपेला अंडर ब्रिज, दोनों ही इसी प्रकार जो है भरे हुए हैं। इससे लोगों की जो है आवाजाही में रोक लगा दी है। पुलिस ने यहाँ पे बैरिगेटिंग कर दिया है। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार बैरिगेटिंग के ऊपर से भी ये जो पानी यहाँ पर आ रहा है, कचरे जो है वह भर चुके हैं, पूरा अंडर ब्रिज लबालब भरा हुआ है। यहाँ पर भैया मिले हैं जो इस अंडर ब्रिज को क्रॉस करने के इंतज़ार कर रहे हैं। भैया, आमतौर पर भी जो अंडर ब्रिज है भर जाता है, क्या है इसके पीछे, आपको कुछ पता है? इसके पीछे तो पता नहीं, हम हर साल इधर से आना जाना करते हैं। ये हर साल ज़्यादा बारिश होती है, आमतौर पर अगर बारिश नहीं भी होती है तो भी अंडर ब्रिज का यह हाल होता है कि कई बार हम लोगों को पानी भरा हुआ मिलता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही है। आज यहाँ से आना जाना जो है लोगों का बारिश है, कंटिन्यू सुबह से ज़्यादा बारिश है, इसलिए आज ज़्यादा भर गया। जी, आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे सेक्टर एरिया, दूसरा रास्ता जो है उसमें भी सुनने में आ रहा है कि पानी भरा उसमें भी है, उसमें भी भरा हुआ है। अभी जा रहे हैं पैदल ऊपर से, पैदल टाउनशिप में जाने का अब एक भी रास्ता है यहाँ से नहीं बचा। नहीं है, थोड़ा परेशानी हो रहा है जाता है। हाँ। आने जाने वाले को बड़ा परेशानी जाता है। हाँ। और कई गाड़ी तो वहाँ रास्ते बंद हो जाती है, और आने मतलब गाड़ी बंद होने का खराबी भी आ जाता है, प्रॉब्लम गाड़ी में, उसका फिर ये एक ही रास्ता, उसका फिर कई रास्ता, बाकी रास्ता सब टाउनशिप को जोड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता ओवर ब्रिज से ऊपर से जाना पड़ेगा, दूर हो जाएगा। इसी कारण से एक ही रास्ता सुरक्षित है। इसको थोड़ा सुविधा करिए, पानी हटा के आने जाने वाले को। आम दिनों में भी जो है ये पानी यहाँ पे भरा मिलता है, आम दिनों में भी यहाँ पानी भरा मिलता है, और यहाँ पे भीड़ भड़का ज्यादा होता है। हाँ, गाड़ी वाड़ी एक्सीडेंट होता है, बीच में होते रहते हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था? पिछले साल में इससे ज्यादा हुआ था। उसके बाद भी निराकरण नहीं हुआ। ये पानी का हल हो ही नहीं रहा। मोटर लगा के पानी जो निकालते हैं ना, उसके बाद भी वहाँ के पानी कहीं का आकर रुक जाता है बीच में। हाँ, इस ओवर ब्रिज को जब से बनाए तब से हम लोग बीच में देख रहे हैं, हमेशा समस्या रहता है। इसको कोई नहीं, वही जो बोले वही है। कहाँ, किस ओर से आ रहे थे भैया आप? अचानक से गाड़ी आपका फंसा मिला, क्या बताऊँ अब मैं? नहीं, बताओ ना, आपकी जर्नी बताओ ये पुल से। जल्दी तो वो एक लड़का आ रहा था, घुस गया वो अंदर। आप पुलिस बैरिगेटिंग जो है उसको आपने अब जानबूझ के तोड़ना पड़ा? जानबूझ के नहीं किया, लेकिन समझते हैं क्योंकि टाउनशिप से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि एक और जो है अंकल है, यहाँ से कड़ी मशक्कत के बाद जो अपनी साइकिल को लेकर के इस अंडर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। अब इनकी मजबूरी ये भी है कि टाउनशिप जो है काफ़ी दूर पड़ता है बाकी अंडर, अगर ये दूसरी ओर से आते हैं तो इनको अपनी जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर पड़ती है। इस कारण यहाँ के जो लोग हैं उनको इस तरह की जो है अपनी मेहनत को दर्शाना पड़ता है, इस पुल से, इस नाले से कहें, ये पुल नहीं अभी नाला बन चुका है, इस नाले से गुजरना इनको पड़ता है। प्रियदर्शनी परिसर का जो अंडर ब्रिज है वो पूरी तरीके से भर चुका है, पूर्ण रूप से जो है पैक हो चुका है। यहाँ पे लोगों के कमर तक जो है पानी यहाँ पे लबालब से भरा हुआ है। कई लोग जो है फिर भी उसके बावजूद इसके पानी भरने के बाद भी रिस्क ले करके अंडर ब्रिज को क्रॉस करते हुए सामने की ओर आ रहे हैं। बैरिगेटिंग लगा आगे, अरे वो जगह ही नहीं है, ऊपर से जगह नहीं है, टाउनशिप जाने का जगह नहीं बचा है। नहीं, टाउनशिप तो है। नहीं, यहाँ से आने का मैं ये पूछ रही हूँ,
यहाँ का नहीं है, ये पानी का हमेशा ये समस्या रहता है। समस्या हमेशा रहती है। हाँ। किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? निगम प्रशासन का जिम्मेदार है। निगम कहाँ से आएंगे? वहाँ से फ्लाईओवर भी बंद है। फ्लाईओवर भी बंद है, तो पहले अंडर ब्रिज था उसको भी बंद कर दिया। हाँ। पानी भरा हुआ है उधर भी। कितनी दिक्कतें हुई है आपको आने के बाद? वहाँ से सुपेला का बंद है। सुपेला का बंद है। हाँ। तो अब कहाँ से आएंगे हम लोग? इसलिए आपके पास आना पड़ा जी। है इसके भरा जाने का कारण और ये भी है, ये जल्दी इसलिए भरा जाता है क्योंकि यहाँ से तीन नाले जो है एक साथ इसमें कनेक्ट है, इसमें जॉइंट है, तो इसीलिए क्या है, इसी रीजन है, यही रीजन है कि जल्दी भरा जाता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अंडर ब्रिज भरे होने के कारण जो है लोग पटरियों के ऊपर से जाना पसंद कर रहे हैं, जो कि वाकई में अगर अचानक से ट्रेन आ जाती है तो इनके जान को भी खतरा हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि तीन चार जो लोग हैं वो अपनी साइकिल को पटरी के ऊपर से ले करके जा रहे हैं। कई लोग जो हैं इस पे अपनी जान को खतरे में डाल करके बड़े धीरे से जो अपनी गाड़ी को इस पार लेके आ रहे हैं। वैसे यह हाल जो है भारी बारिश के बाद का बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दो बिजी जो हमारे अंडर ब्रिज हैं, एक तो चंद्रा मौर्य और दूसरा प्रियदर्शनी परिसर, ये आम दिनों में भी बिना बारिश हुए भी कई बार ये भरा मिलता है और इसी प्रकार ये भरा रहता है। इसे थोड़ा कम होता है, हालांकि बरसात के साथ ज़्यादा हुआ है, लेकिन कई शिकायतें पहली भी ऐसे आ चुकी हैं कि अंडर ब्रिज भरा हुआ है, लोग आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कारण क्या ऊपर से आने का? अरे नीचे पानी भरा है ना, इसीलिए पानी भरा है। जिसको देख के नाला वाला फील आ रहा है कि नहीं आप? हाँ, रास्ता में ना हर बार भरा रहता है, हर दिन के लिए जैसे बारिश होता है ना पूरा, तो पूरा जाम हो जाता है, यहीं पर भी जाम होता था, रोड के उस पार भी जाम हो जाता है। तो किस ओर जा रहे थे आप? अब मैं जा रहा था सेक्टर 6। आप कैसे जाएंगे? तो भरा हुआ है। अब भरा है इसलिए मैं पैदल वापस फिर जाना पड़ रहा है घर। वापस कहाँ से आए हैं? मैं कृष्णा नगर भिलाई से आया, सुपेला भिलाई से। सुपेला भिलाई से अभी यहाँ आपको सेक्टर से आप वापस लौट रहे हैं? वापस लौट रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सेक्टर वापस घर आ रहा हूँ। वापस घर आ रहे हो। ये दिक्कत जो है हमेशा होती है या खासा बरसात में होती है? ये हमेशा रहता ही है, जब भी पानी गिरेगा ऐसे भरते रहेगा, ऐसे ही भरता रहेगा। जिम्मेदार कौन, किसको मानते हो आप? अब जिम्मेदार ये निगम वाले को मानना पड़ेगा ना, साफ सफाई नहीं होता है इसलिए पानी भर जाता है।